सन 1858 में आज ही के दिन देश में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान देने वाले डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे का जन्म हुआ था। वर्ष 1896 में हिंगाने में केशव कर्वे ने महिलाओं और विधवाओं के लिए स्कूल की शुरुआत की और वर्ष 1936 में उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी की शुरुआत की। सन 1958 में थोंडो केशव कर्वे को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। आज के दिन सन 1859 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली तात्या टोपे का निधन हुआ था। कल्पी और ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या ने भी विद्रोहियों का सामना किया था। इस युद्ध में लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मानसिंह की गद्दारी की वजह से ब्रिटिश सेना ने तात्या को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी थी। सन 1916 में आज एक दिन फिल्म जगत में नकारात्मक किरदारों से अलग मुकाम रचने वाली अभिनेत्री ललिता पवार का जन्म हुआ था। ललिता ने अपने करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र में फिल्म राजा हरिश्चंद से की थी। 700 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में ललिता पवार ने अभिनय किया। ललिता पवार हिंदी जगत में रामानंद सागर के रामायण में मंथरा के किरदार से काफी मशहूर रही। और आज एक दिन सन 1955 में भौतिक शास्त्र के मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ था। आइंस्टाइन ने दुनिया को सापेक्षता का सिद्धांत दिया और द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताने वाला भौतिक शास्त्र का अहम समीकरण E=mc² को विज्ञान जगत के सबसे अहम समीकरणों में से एक माना जाता है। वर्ष 1921 में आइंस्टाइन को भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में आइंस्टाइन के 300 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं।